जॉन डाल्टन के सिद्धांत। ईंटों से दीवार बनती है, दीवारों से मकान, अनेक धागों से कपड़ा बनता है, करोड़ों कोशिकाएं मिलकर जीव। लेकिन ये सभी चीजें किससे बनी हैं? जवाब है परमाणु, एटम। हर चीज, चाहे वो ठोस हो, द्रव या गैस, वो परमाणुओं से बनी है। लेकिन परमाणु क्या होते हैं? हमें इनके बारे में पता कैसे चला? मानव अपने चारों तरफ मौजूद रहस्यों की खोजबीन सदियों से करता आ रहा है। कोई 2500 वर्ष पहले पदार्थ के सबसे छोटे और अविभाज्य हिस्से को महर्षि कणाद ने कण और डेमोक्रिटस ने एटमॉस कहा। उस समय के लिए ये विचार अविश्वसनीय थे। उसके बाद आए यूनानी विचारक अरस्तु और प्लेटो। उनका मानना था कि विश्व की हर चीज पृथ्वी, आकाश, पानी और अग्नि से बनी है। फिर करीब 2000 वर्ष बीते और कुछ नई अवधारणाएं सामने आईं। तो चलते हैं 19वीं सदी के इंग्लैंड में, मिलते हैं जॉन डाल्टन से। डाल्टन उस समय अलग अलग गैसों पर प्रयोग कर रहे थे। वर्ष 1803 में उन्होंने कुछ सिद्धांत पेश किए। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ यानी तत्व, मिश्र या यौगिक सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं। उन्होंने इन कणों को एटम नाम दिया, हिंदी में परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं और उनको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत में जितने परमाणु होते हैं उतने ही उसके अंत में भी होते हैं। एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, यानी उनका आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण सब कुछ एक जैसा। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनके गुण भी बिल्कुल अलग। भिन्न तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ये परमाणु हमेशा पूर्ण संख्या के अनुपात में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये आधे पौने नहीं होते। जैसे पानी एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु साथ आते हैं। यहाँ एक और दो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। अगर आप पानी के किसी भी अणु को देखेंगे तो उसमें भी हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मिलेंगे। अनुपात हमेशा यही। जॉन डाल्टन के प्रयोगों पर आधारित इन अवधारणाओं पर ही आधुनिक रसायन व भौतिक शास्त्र की नींव पड़ी। समय के साथ समझ बढ़ती गई। डाल्टन का एक सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। आपके लिए यही काम, पता करें कि डाल्टन की कौन सी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। एक इशारा, क्या परमाणु सचमुच अविभाज्य है या उसके अंदर और भी घटक हैं?